हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में और ये जो वीडियो है हमारी जो G20 की सीरीज है उसकी 6th वीडियो है। ये जो आपको सारे फ्लैग्स दिख रहे हैं ये है यक्षिणी चौक का एरिया जो कि दिल्ली कैंट के पास में आता है ओल्ड फरीदाबाद रोड पर। और यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे जो ब्यूटिफिकेशन के काम हैं वो हुए हैं, आज हम वो देखेंगे। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं सारे G20 के जितने भी नेशंस हैं उनके जो फ्लैग्स हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये जो आपको सामने मूर्तियाँ दिख रही हैं ये है यक्षिणी चौक जो कि अभी इनॉग्रेट हुआ है। और ये जो मूर्तियाँ यहाँ पे बनाई गई हैं ये कल्चरल जो हेरिटेज है उसको दर्शाती हैं। लगभग 8 जो मूर्तियाँ यहाँ पे इंस्टॉल की गई हैं उनका साइज भी 6 feet है, तो काफ़ी लाइफ लाइक जो है इनका साइज भी है। और आप देखें रोड की दूसरी तरफ भी बनाई गई हैं। ये जो साइज है इसको रीडेवलप किया गया है, प्लांटेशन किए गए हैं, फ्लावर्स लगाए गए हैं, साइड वॉक्स बनाई गई हैं। सामने अगर आप देखें तो आपको फाउंटेन नज़र आएगा जो कि शिवलिंग शेप्ड में बनाया गया है। और यहाँ पे जो ये पानी है हर वक्त चलता रहता है। यहाँ पर रोड के दोनों तरफ जो है शिवलिंग शेप्ड फाउंटेन्स लगाए गए हैं। लगभग 18 जो फाउंटेन्स हैं शिवलिंग शेप्ड वो यहाँ पर लगाए गए हैं। ये फाउंटेन्स आपको इधर भी मिलेंगे और रोड की जो दूसरी तरफ है इस तरफ भी आपको ऐसे ही फाउंटेन्स मिलेंगे। और अब हम यहाँ से चलते हैं IF जो पार्क है जो अभी न्यूली इनोग्रेट हुआ है उसकी तरफ। ये जो पार्क है अभी 1 तारीख को यहाँ पर ओपन हुआ है और इसको कहा जाता है IF लेगेसी पार्क। और यहाँ से इस पार्क की जो है शुरुआत हो जाती है। सामने आपको MIG जो फाइटर प्लेन है वो दिख रहा है और उसके साथ में ये जो यहाँ पर फाउंटेन्स की एक सीरीज है, लगभग 8 जो फाउंटेन्स है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। MIG का जो फाइटर प्लेन है वो इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पर ऐसे आपको 2 जो फाइटर प्लेन्स हैं वो नज़र आ जाएंगे। समय के साथ दिल्ली के अंदर जो ये सौंदर्यकरण हुआ है और जिस तर्ज पर हुआ है, आप हर तरफ देखें, साइड वॉक्स देखें, पार्क्स देखें, फुटपाथ देखें, तो आपको अब जो रोड पे चलने का जो एक आनंद है वो जरूर आने वाला है क्योंकि आपको साइड में ऐसे बेहतरीन से पार्क्स नज़र आएंगे। पहले के टाइम में लोधी गार्डन आपको जाना पड़ता था या नेहरू पार्क अगर आप जाते थे, अगर आपको टहलना होता था, लेकिन अब समय के साथ और इस सौंदर्यकरण ने आपको दिल्ली के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस दे दिए हैं और काफ़ी बेहतर तर्ज पर ये जो पार्क हैं वो बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर भी ये जो स्क्रीन है इंस्टॉल किए गए हैं, काफ़ी सारी जगहों पे ऐसे स्क्रीन्स जो है इंस्टॉल किए गए हैं जहाँ पे आपको G20 से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती है। ये यहाँ का दूसरा जो MIG फाइटर प्लेन, यहाँ पर 2 हैं, एक इस छोर पर है, एक दूसरे छोर पर है। आप देख सकते हैं सामने दूर आपको नजर आएगा तो 2 यहाँ पर ये लगाए गए हैं और बीच में आप देखें तो काफी ज्यादा ग्रीनरी लगाई गई है। इस तरफ अगर आप देखें तो ये पार्क का दूसरा साइड है और यहाँ पर थोड़ा बहुत काम अभी रहता है, तो काफी बड़ा पार्क होने वाला है जब ये बन जाएगा। इस तरफ का जो पार्क है जिस तरफ हम ये देख रहे हैं, इस तरफ पार्क को बना दिया गया है। और जैसे मैंने आपको बताया था फाउंटेन्स दिल्ली के अंदर काफ़ी ज़्यादा लगाए गए हैं और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि लगभग 8 से 10 फाउंटेन्स जो है यहाँ पर लगाए गए हैं और जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे हैं यहाँ पर। इस तरफ आपको ऐसे फ्लैग्स काफ़ी सारे दिखने वाले हैं, काफ़ी जगहों पे ऐसे फ्लैग्स यहाँ पर लगाए गए हैं क्योंकि ये आर्मी का कैंट एरिया भी है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह भी बन जाती है ये। अभी शाम का वक्त है और शाम के वक्त सूरज की जो रोशनी है उसमें बहुत ही दिलकश जो है ये नज़ारा लग रहा है। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो डेफिनेटली बहुत लाइक करेंगे इसे। अब इस पार्क को हम अंदर से भी देखते हैं और उसके बाद हम मंडी हाउस भी जाएंगे यहाँ से।
और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, दिल्ली के ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड, दिल्ली NCR से रिलेटेड आपको वीडियोज इस चैनल पर मिलती रहती हैं। अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको जो वीडियो है अपलोड होते ही इमिडिएटली उसका नोटिफिकेशन आ जाए। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी किया कीजिए और जितना हो सके शेयर भी कीजिए। यहाँ पर रात के वक्त भी अगर आप सामने देखें तो लाइटें लगी हुई है, रात के वक्त भी बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा होता है। आने वाली वीडियोज़ में हम कोशिश करेंगे कि आपको रात के वक्त भी यहाँ का नज़ारा दिखाएं। क्योंकि इस पार्क को अभी अभी इनॉग्रेट किया गया है तो जो प्लांटेशन है उसका काम जारी है और कुछ टाइम में अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी ब्यूटीफुल जो है ग्रीनरी और जो फ्लावर्स हैं वो दिखने वाले हैं। और अब हम यहाँ से चलते हैं यहाँ का नज़ारा लेने के बाद मंडी हाउस की तरफ। हम यहाँ से मंडी हाउस का जो सफ़र है वो ऑटो से कर रहे हैं और यहाँ राइट में भी अगर आप देखें तो आपको जो गमले हैं वो नज़र आ जाएंगे। 9 लाख जो गमले हैं वो दिल्ली में लगाए गए हैं ऐसे। यहाँ पर भी ब्यूटिफिकेशन हुआ है अगर आप देखें तो। इसके ऊपर हमारे चैनल पे डेडिकेटेड वीडियो भी है, अगर आप देखना चाहें तो लास्ट जो वीडियो है उसमें आपको यहाँ का ब्यूटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस रोड पे सब तरफ आपको ये जो ब्रांडिंग है G20 के बोर्ड्स जो हैं वो मिल जाएंगे हर तरफ, क्योंकि ये जो रोड है एयरपोर्ट से चाणक्यपुरी की तरफ जाती है। और दिल्ली के अंदर अगर सबसे ज़्यादा सफ़र होता है तो ऑटोज़ में ही होता है, तो इस ऑटोज़ से जो रियल ब्यूटी है दिल्ली की वो भी नज़र आ जाती है। अब हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं मंडी हाउस की तरफ। ये जो है बाराखंबा का की रोड है और यहाँ पर भी काफ़ी सारा ब्यूटिफिकेशन हुआ है, हमने लास्ट वीडियोस में ये भी दिखाया आपको। और यहाँ से हम फाइनली पहुँच गए हैं मंडी हाउस के सर्कल पर। ये जो है ये सर्कल है, यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे जो ये फ्लैग्स हैं वो नज़र आने वाले हैं। तो आजकल आप दिल्ली में जिस तरफ भी नज़र डालें आप फ्लैग्स दिखेंगे, फाउंटेंस दिखेंगे, स्टैचूज दिखेंगे, ग्रीनरी दिखेगी और जो क्लीननेस है वो भी दिखेगी। तो बहुत ही ज़्यादा एक खूबसूरत जो नज़ारा है इस वक्त दिल्ली का हो चुका है। और सितंबर का महीना है तो मौसम भी जैसे ऑटोज़ में हम घूमें वैसा हो जाता है कि आप ऑटोज़ में आराम से घूम सकते हैं, दिल्ली का नज़ारा ले सकते हैं। और अब हम यहाँ से आपको जो G20 के लिए ब्यूटीफुल ग्राफिटी की गई है इस जगह पर दीवारों पर वो दिखाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आकर्षित करती है और अलग ही डिज़ाइन लगता है। आप देखें सामने दीवार पर ये जो डिज़ाइन है, यहाँ ठीक जो मेट्रो स्टेशन है मंडी हाउस का उसके साथ में, और अब इस डिज़ाइन को फर्दर एक्सटेंड भी कर दिया गया। हम आगे की तरफ जाएंगे मंडी हाउस से तो आगे एक पूरी दीवार है जिस पे अभी भी काम चल रहा है। सामने अगर आप ये दीवार देखें तो यहाँ पर ये जो आर्ट वर्क है आपको नज़र आ जाएगा और काफ़ी बड़ा बनाया गया है। यहाँ से शुरू होता है और दूसरी तरफ भी जाता है। यहाँ पर ये जो आर्ट वर्क किया जा रहा है ये स्पेसिफिकली G20 के लिए किया जा रहा है, तो G20 के लिए किया जा रहा है तो इसलिए अभी आपको आगे दिखेंगे जो आर्टिस्ट हैं वो काम भी कर रहे हैं यहाँ। सामने अगर आप देखें तो इस काम को फिनिशिंग जो टचेज है वो दिए जा रहे हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट है।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।